हम गुजरात से हिमाचल घूमने आए हैं और हमारा जो नवनाथ टूर्स एंड ट्रैवल्स था उसने रिंकू भाई की इनोवा कैब हमें घूमने के लिए प्रोवाइड करवाई है और हम चंडीगढ़ से रिंकू भाई ने रात को 12 बजे पिकअप किया था, फिर अमृतसर ले गए, वहाँ एक दिन का स्टे था, उसके बाद मनाली ले गए और मनाली से शिमला लाए हैं और शिमला से वापस चंडीगढ़ ड्रॉप कर रहे हैं। उतने में सभी जगह पे अपना फ्रेंड जैसा महसूस हुआ है, ड्राइवर जैसा कहीं नहीं लगा है अपने को, और जहाँ भी गाइड की ज़रूरत थी वो जगह पे खुद रिंकू भाई ने अपने को गाइड किया है। और रिंकू भाई की जो ट्रैवल एजेंसी है वो भी सही है, रिंकू टैक्सी सर्विस करके उसका टैक्सी का काम है हमीरपुर में, और इनकी सर्विस भी बहुत बढ़िया है, बहुत कोऑपरेट करते हैं और टाइम के हिसाब से हमारा पूरा टूर में कहीं भी हमें वेस्ट नहीं हुआ और जितना हो सके उतना कम चलना पड़े ऐसा उन लोगों ने मैनेज किया है। तो एक कार भी नहीं है, कंफर्टेबल है और हमें थकान भी नहीं लगा है और चलाते भी बहुत बढ़िया तरीके से है, सेफली चलाते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा सर्विस है रिंकू भाई का, रिंकू सर्विस टैक्सी सर्विस हमीरपुर में। आप भी अपनी टैक्सी सर्विस और हमारे बारे में भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं। ये भाई गुजरात से अरसी भाई यादव गुजरात से आए थे मेरे साथ घूमने के लिए और 12 तारीख को चंडीगढ़ से पिकअप किया था, सीधा अमृतसर बाघा बॉर्डर वगैरह सारा घुमा के मनाली में अटल टनल शिशु सारा घुमा के शिमला ले आया। शिमला में कुफरी नालदेरा एडवेंचर जो भी है सारा करवाया, उसके बाद इनको होटल में नाइट स्टे करवाया, उसके बाद इनको अब चंडीगढ़ में ड्रॉप करने जा रहा हूँ और इनके साथ 8 डेज मेरे थे, बहुत ही अच्छा लगा गुजरात में। बहुत ही मज़ा आया टूर का और इन्होंने एक भी चीज़ की परेशानी नहीं होने दी, मतलब अपने साथ बिठा के खाना खिलाया सारा काम, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो बहुत ही अच्छे बंदे हैं। आपके टूर का नाम बोल दो सही, रिंकू टैक्सी सर्विस हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, वीडियो घुमा दो चलो पहाड़ी आके आगे भरी है चालू है गाड़ी होती है।